ज़ेलेंस्की वॉर रूम में वो युद्ध नीति तैयार कर रहे हैं जिसके सामने शक्तिशाली रूस की सेना भी फेल है। यहां बैठे बैठे कमांडर इन चीफ ज़ेलेंस्की सेना के सर्वोच्च कमांडर को आदेश देते हैं और जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि रूस भूचा के नरसंहार के आरोपी कमांडर को जब सराहना के फूल बांटे जा रहे हैं उस वक्त ज़ेलेंस्की के कमांडर क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन वोल्दोमिर ज़ेलेंस्की का ऑर्डर सबसे पहले यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेज़निकोव को जाता है। रक्षा मंत्री ज़ेलेंस्की के ऑर्डर को सीधा यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ जनरल को भेजा जाता है। सेना सेकंड में एक्टिव होती है। जनरल अपने मातहत जनरल शिरिल साप्ताला को आदेश देते हैं और ये आदेश सीधे फर्स्ट टैंक ब्रिगेड के पास पहुंचती है जो पहले से ही सजग सावधान और सचेत रहते हैं। ये सब कुछ होने में ज़ेलेंस्की को बस पल भर सोचना पड़ता है क्योंकि उनके पास जंग लड़ने से भी ज्यादा जरूरी काम है यूक्रेन की जनता की जान बचाने। असल मायने में सिर्फ चुनी हुई सरकार के नेता के तौर पर नहीं बल्कि युद्ध में कमांडर के तौर पर भी अब तक बेहद कामयाब रहे हैं। मोर्चा जो भी रहा ज़ेलेंस्की उस पर खूब लड़ रहे हैं। सबको अचरज हो रही है कि ऐसा कैसे हो पा रहा है, तो इसका जवाब है युद्ध का मैनेजमेंट जिसमें ज़ेलेंस्की माहिर है, जिसमें तय होती है युद्ध की दिशा, दुश्मन की तोड़, दुश्मन की प्लानिंग, दुश्मन के तुरंत उठने वाले कदम और फाइनली उसके खिलाफ जोरदार एक्शन। पूरी दुनिया में ज़ेलेंस्की की रणनीति की चर्चा हो रही है। ये बात बिल्कुल सच है कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सामने सीना चौड़ा इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपने होने वाले नेटो दोस्त पर भरोसा था, लेकिन दोस्त ने सामने आने से इनकार कर दिया। और ये सामान्य बात नहीं है कि ज़ेलेंस्की दुनिया के सबसे ज्यादा एटम बम वाले देश को चुनौती दे रहे हैं जिसकी धमकी भर से अब तक अमेरिका और यूरोप नो फ्लाई जोन की ज़ेलेंस्की की दलील को कई बार ठुकरा चुके हैं। Не закрийте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію. लेकिन ज़ेलेंस्की अब भी वही है जहां से युद्ध का आगाज हुआ था। डस से मस नहीं हो रहे। आप कह सकते हैं कि अमेरिका और यूरोप से मिल रही सप्लाई ज़ेलेंस्की के दोनों हाथ और दिमाग को खुराक दे रही है, लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि ज़ेलेंस्की तनहा लड़ रहे हैं, एकदम अकेले अपनी मुट्ठी भर फौज के साथ। Як і кожного ранку, як і кожного дня, як і кожного вечора, ми сьогодні приділяли максимальну увагу тому, щоб забезпечити наших військових усією необхідною зброєю. Це завдання номер один для нашої держави. І я вдячний усім нашим партнерам, які нарешті почули нас, які передають нам саме те, що ми просили. Бо ми точно знаємо, що з цією зброєю ми зможемо врятувати життя тисяч людей. І можемо показати окупантам, що день, коли вони змушені будуть залишити Україну. यूपी में अपनी बारात लेकर जा रहे एक दूल्हे को उसकी दोस्त ने पीट दिया। यूपी के अमरोहा में बारात लेकर जा रहे दूल्हे को एक लड़की और उसके परिवार वालों ने मिलकर पीट दिया, जिसके बाद दूल्हे को पिटाई से बचने के लिए बग्घी छोड़कर भागना पड़ा। लड़की ने आरोप लगाया कि जो लड़का शादी के लिए जा रहा था उसने उससे शादी का वादा किया था। कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि अलवर में तोड़े गए शिव मंदिर को फिर से बनाया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस के कुछ नेता हालात का जायजा लेने के लिए राजगढ़ पहुँचे थे। आईपीएल के एक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही पॉइंट टेबल में हैदराबाद दूसरे स्थान पर काबिज हो गयी। ज़ेलेंस्की 2 महीने से अपनी सेना का डायरेक्ट कमांड संभाल रहे हैं। बंकर टू बॉर्डर ज़ेलेंस्की सब कुछ इस कमांड सेंटर से कंट्रोल करते हैं।
सवाल फिर वही पूछा जाता है कि ज़ेलेंस्की लड़ कैसे रहे, कहां से मिल रही इतनी ताकत, कैसे बचाए रखा है अपनी कैपिटल कीव को। इसका मुकम्मल जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि महायुद्ध का फैसला ही सब कुछ तय करेगा। अब तक कहानी सिर्फ इतनी है कि ज़ेलेंस्की वो योद्धा साबित हो रहे हैं जिनके हाथ में हथियार तो कमजोर है, लेकिन जिसके सीने में मातृभूमि को बचाने वाला तूफान है, जो इतना शक्तिशाली है कि ब्लैक सी में रूस का मुस्कवा इसके सामने नहीं ठहरता, सागर में समाधि ले लेता है। इस तूफान की रफ्तार इतनी तेज है कि मारियोपोल में यूक्रेन की सेना सरेंडर करने से इनकार कर देती है। कीव में दुश्मन के दांत खट्टे हो जाते हैं। ज़ेलेंस्की ये सब कर रहे हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की ऐसा करने की प्लानिंग पर आज से नहीं, जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से